दूसरी बार शादी के बंधन में बंधी नीना गुप्ता की बेटी मसाबा गुप्ता ने एक्टर डायरेक्टर संग रचाई गुपचुप शादी। कोर्ट मैरिज कर बन गई मिसेस सत्यदीप मिश्रा। तलाक के 4 साल बाद बसाया दूसरी बार घर। बी टाउन में इस साल बैंड बाजा और बारात का सीजन तो बॉलीवुड के अन्ना सुनील शेट्टी की बेटी अतिया शेट्टी और इंडियन क्रिकेटर केएल राहुल की शादी से शुरू हुआ। वहीं अब दिग्गज अदाकारा नीना गुप्ता की बेटी की भी हो गई है शादी। मिस से मिसेस बनी है नीना की लाडली मसाबा। जी हाँ, ना किसी बैंड और ना ही किसी ढोल नगाड़े से, बल्कि मशहूर फैशन डिजाइनर मसाबा ने तो बेहद ही सिंपल तरीके से कोर्ट में जाकर अपना घर बसाया है, वो भी फिल्म एक्टर डायरेक्टर सत्यदीप मिश्रा के साथ। लंबे समय तक डेटिंग करने के बाद अब मसाबा ने फाइनली शादी कर ली है। खुद इस खुशखबरी को दुल्हन मसाबा ने ही फैंस के साथ सोशल मीडिया पर अपनी वेडिंग की एक्सक्लूसिव पिक्चर शेयर की है। मसाबा ने आज 27 जनवरी के दिन कुछ देर पहले ही अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से 2 तस्वीरें शेयर की हैं, जिसके जरिए उन्होंने बताया है कि वो अब शादी के बंधन में बन चुकी हैं। जहां पहली तस्वीर में मसाबा और उनके दूल्हे राजा सत्यदीप कैमरे की ओर पोज देते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर तो इतनी प्यारी है कि आपकी नजरें भी इससे दूर नहीं जा पाएंगी। आखिर इस खास तस्वीर में दोनों एक दूसरे की आंखों में जो खोए हुए हैं। इन तस्वीरों के साथ मसाबा ने प्यार भरा कैप्शन लिखा, मैंने शांति से भरे समंदर से आज सुबह शादी कर ली है। आने वाली जिंदगी में प्यार, शांति, स्थिरता और सबसे ज्यादा जरूरी खुशी। थैंक यू मुझे कैप्शन चुनने के लिए, ये सबसे ज्यादा अच्छा है। मसाबा ने जैसे ही अपनी वेडिंग पिक्चर्स पोस्ट की, सेलेब्स से लेकर फैंस उन्हें बधाई देने लगे। दिया मिर्जा, आयुष्मान खुराना, सोफी चौधरी समेत कई स्टार्स ने उन्हें शादी की बधाई दी। इन तस्वीरों के अलावा एक मैगजीन ने भी न्यूली वेड मसाबा और सत्यदीप की कुछ अनसीन पिक्चर्स शेयर की हैं, जिनमें दुल्हन के साथ दुल्हन की माँ यानी की नीना गुप्ता भी नजर आई है। बेटी के कंधों पर हाथ रखे नीना ग्रीन साड़ी में दिखाई दे रही है। मसाबा की मॉम नीना ने भी बेटी के साथ एक तस्वीर शेयर कर उनकी वेडिंग की न्यूज दी है। मसाबा की वेडिंग लुक की बात करें तो अपनी शादी का जोड़ा खुद मसाबा ने ही डिजाइन किया है। मसाबा ने बर्फी पिंक कलर का सिल्क लहंगा अपनी शादी के मौके पर पहना। इस लहंगे पर गोल्ड एम्ब्रॉयडरी की गई थी। इसके साथ उन्होंने लाइम कलर का ब्लाउज कैरी किया था। खास बात यह है कि सत्यदीप के दूल्हे वाले कपड़े भी मसाबा ने ही डिजाइन किए हैं। वहीं शादी में मसाबा के पिता विवियन रिचर्ड्स भी शामिल हुए थे, तो नीना अपने दूसरे पति विवेक मेहरा के साथ मौजूद रही। केवल कुछ रिश्तेदार और करीबी ही शादी में शामिल हुए। शादी के बाद अब इस कपल ने एक गेट टुगेदर का भी प्लान बनाया है, जिसमें उनके खास लोग मिलाकर 80 से 85 लोगों को इनविटेशन दिया जाएगा। बता दें कि मसाबा और सत्यदीप ने कोर्ट मैरिज की है। मसाबा और सत्यदीप दोनों की ही ये दूसरी शादी है। मसाबा की पहली शादी मधु मंटीना से 2015 में हुई थी, लेकिन 2019 में दोनों ने तलाक ले लिया। मसाबा गुप्ता से पहले मधु ने एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी से शादी की थी। दूसरी ओर दोनों की लव स्टोरी की बात करें तो जब मसाबा गुप्ता को नेटफ्लिक्स की पॉपुलर सीरीज मसाबा मसाबा में देखा गया था, तो इस ही शो में उनके पति का किरदार सत्यदीप ने निभाया था। इसी शो से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी थी। दोनों प्यार में पड़े और अब जाकर ये जोड़ी 7 जन्मों के बंधन में बन गई है। गौरतलब है कि मसाबा एक्ट्रेस नीना गुप्ता और विवियन रिचर्ड्स की बेटी है। नीना ने विवियन से बिन शादी किए ही मसाबा को जन्म दिया था। एक समय था जब नीना गुप्ता का अफेयर विवियन के साथ हुआ था, लेकिन दोनों की शादी नहीं हुई थी। वहीं कुछ समय बाद नीना और विवियन अलग हो गए। ऐसे में नीना ने सिंगल मदर होकर बेटी की परवरिश की। नीना गुप्ता ने कुछ समय पहले 50 साल की उम्र में दूसरी बार शादी की थी। बहरहाल इस समय तो हम भी मसाबा को उनकी शादी के लिए ढेर सारी बधाई देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।